अच्छे स्टॉक्स की न्यूज और अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल रिस्क स्टॉक्स और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू माय चैनल रिस्क स्टॉक्स। इस चैनल पे मैं अक्सर ही ऐसे कुछ स्टॉक्स का रिव्यू करता हूँ कि जो आपके जीवन में पैसों की बरसात कर दे, आपके लिए पैसा कमा के दे। और आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, आपके स्टॉक्स वेल चल रहे हैं, ऑसम चल रहे हैं। तो चलो इसी सीरीज में आपके लिए जो एक स्टॉक लेके आया हूँ, तो कंपनी का नेम आपके सामने है फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है, एक टेक्सटाइल कंपनी है, टेक्सटाइल सेक्टर से एक स्मॉल कैप है आपके लिए। ठीक है, तो बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, इनका काम क्या है, ज्यादा नहीं बात करेंगे। तो मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर लेके जाता हूँ। तो पार्शली ओरिएंटेड यार्न, पॉलिएस्टर टेक्सटाइल यार्न, फुली ड्रोन यार्न, तो इनका धागों का काम है। तो बहुत सारे टाइप्स के जो ये धागे बनाते हैं, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, आप इनकी इमेज में भी देख सकते हो इनका जो काम इन्होंने रिफ्लेक्ट किया है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी ये जो भी फैसिलिटी है उसकी पिक्चर्स लगा रखी हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये एक स्मॉल कैप है। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो अभी इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है, तो वो देख लेते हैं। करंट प्राइस अगर बात करें तो BSE की ऊपर 54 का चल रहा है और NSE के ऊपर 54 का चल रहा है। तो ये स्टॉक्स उनके लिए है जो अक्सर ही स्मॉल कैप्स की तलाश में रहते हैं, ऐसे स्टॉक्स की तलाश में रहते हैं जिनका प्राइस 50 या 60 रुपीज हो, सो डैट की वो अच्छी क्वांटिटी में स्टॉक्स को बाय कर सके। उनका बजट इतना नहीं होता, स्टार्टिंग इन्वेस्टर होते हैं, तो उनके लिए स्टॉक है। तो 54 प्राइस है। अगर आप मनी कंट्रोल के ऊपर लोगों की राय जानो, इट्स अ ऑडियंस पोल, तो देखोगे 100% टॉप पीपल जो कह रहे हैं कि इसको बाय करो, 100% सेंटीमीटर में बाय के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये था इसका प्राइस। अब बात करते हैं इसकी चार्ट के ऊपर, लेके चलता हूं आपको इसका चार्ट क्या कहता है। ठीक है, तो गाइस चार्ट के ऊपर आते हैं। तो ये मैंने आपके सामने 5 ईयर्स का चार्ट ओपन किया है, तो आज से 5 साल पहले देख लेते हैं कि इस स्टॉक की क्या कंडीशन थी। तो ये स्टॉक 7 रुपए के ऊपर स्टैंड कर रहा था, उसके बाद इसका प्राइस आप देख सकते हो, नाउ द टाइम ये 54 के ऊपर है। और 54 भी देखो, ये 40 के प्राइस के ऊपर सडनली इसने बहुत बड़ी एक कैंडल बना रखी है, अगर 5 ईयर्स के टर्म्स के ऊपर चार्ट को देखो। तो ये एक पॉजिटिव चार्ट ही है। ठीक है, इसने मतलब काफी अच्छा रिटर्न दिया होगा, बात करेंगे अभी, आप चार्ट दे के मत भाग जाना। ठीक है, अभी इसके टेक्निकल्स की बात करेंगे, इसके फंडामेंटल्स की बात करेंगे, शेयर होल्डिंग की बात करेंगे, और लास्ट में एक छोटा सा रिव्यू करेंगे कि इसको बाय करना है या नहीं करना है। तो नाउ द टाइम चार्ट की बात करें, तो आपके सामने 5 ईयर्स का चार्ट है। तो अगर आप देखोगे थोड़ा सा डाउन कब है, तो 2018 में ये थोड़ा सा डाउन हुआ है अप्रैल तक। तो ये इसका रीजन सिंपल सा मैं बोलूंगा कि आपको पता है जो ये टाइम रहा 2018, जो निफ्टी में बड़े बड़े स्टॉक्स ही परफॉर्म कर रहे हैं, छोटे स्मॉल मिड कैप्स इतना अच्छा नहीं कर पाए, इस टाइम में इनकी पिटाई हुई। तो ये थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है, इसने करेक्ट किया अपने आप को, नीचे की तरफ करेक्शन हुई इसके, तो उसके बाद ये इसने फिर रिकवरी दिखाई है। तो ये 5 साल का चार्ट था। ठीक है, तो अगर हम एयरटेल डेट देखें, तो ये स्टार्टिंग में जैन में इसका प्राइस 44 था, नाउ 54 है, तो अभी 10 रुपए की तेजी है इसमें। तो अगर 6 मंथ्स का देखो, 3 मंथ्स का देखते हैं, तो 3 मंथ्स में जो देखने वाली बात है, अगर ये 1 मंथ का भी ओपन करो तब भी आपको विजिबिलिटी आ जाएगी इसकी। तो ये देखो, अगर 1 मंथ की बात करें, तो ये 40 रुपीज का स्टैंड कर रहा था, तो सडनली इसने जो 14 अगस्त को एक कैंडल्स बनानी शुरू की, इसमें एक रैली शुरू हुई है जो 42, 48, 47, 48, 52 और सीधा 54 के ऊपर ले गया। तो मतलब कहने का मतलब है, ये रैली जो चली 14 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक चली, जिसमें इसने 4 दिन में ही आपको 14 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपको रिटर्न दे दी। तो उसके बाद ये थोड़ा सा करेक्ट करता करता थोड़ा सा फिर इसने कैंडल्स बनाई है, तो इस पॉइंट पे आके ये कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा। तो ये इसका चार्ट था। अगर आप एमसीडी क्रॉसओवर की बात करें, तो एमसीडी क्रॉसओवर आप देख सकते हो कि लास्ट इसका जो हुआ था वो थोड़ा 8 अगस्त को हुआ था। उसके बाद जैसे ही इसका एमसीडी क्रॉसओवर लाइन ऊपर गई, तो इसका जो सिग्नल लाइन है काफी ऊपर गई, तो नाउ द टाइम हमारे सामने एक और एमसीडी क्रॉसओवर हो सकता है। ये देखने वाली बात होगी कि ये जो बुलिश होता है या बेरिश होता है। अगर तो ये बुलिश होता है, तो आप इस स्टॉक के अंदर माल उठा लो, आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर ये बेरिश होता है, तो आप करेक्शन होने का वेट करो, जब ये करेक्ट हो जाए अच्छे लेवल पे, तब इस पे बाय कर सकते हो। तो अगर RSI वैल्यू की बात करो, तो नाउ द टाइम 65 चल रहा है। ठीक है, तो 65 मींस ना तो ये ओवरसोल्ड की कैटेगरी में है और ना ही ओवरबाउट की वैल्यू, ना ये मतलब की
और वैल्यू वैल्यूएशन पे खड़ा है, ये एक ऐसे पॉइंट्स पे खड़ा है जो सपोर्ट बना के खड़ा है, और मे भी बुलिश हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर बाद में हम टेक्निकल्स देखेंगे, इसके फंडामेंटल्स देखेंगे, तो इससे हमारी जो एक सोच आई है हमें पैसा कमा के देगा या नहीं देगा, वो एक क्लैरिटी हमारे सामने आ जाएगी। तो ये आपके सामने चार था। तो डिलीवरीज पे लेके आता हूँ आपको, डिलीवरीज क्या चल रही है इसके अंदर। तो डिलीवरीज की बात करो तो लास्ट जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है लगभग 13,46,000 शेयर जो क्या हुए हैं ट्रेड हुए हैं, और जिसमें से 6,46,000 शेयर जो डिलीवर हो गए, लगभग 48% की डिलीवरी। तो इसमें अगर देखा जाए वॉल्यूम भी अच्छा है कि अच्छे वॉल्यूम में शेयर ट्रेड हो रहे हैं, एक स्मॉल कैप के हिसाब से 13 लाख शेयर काफी होते हैं जो ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है। तो डिलीवरी भी 48% काफी अच्छी है। तो अब आते हैं मेन इसके टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स के, जिसकी आप वेट करते हो, टेक्निकल्स की कितने परसेंट रिटर्न दे रहा है। तो अभी ये आप जिस टाइम का वेट करें तो स्टार्ट करते इसके टेक्निकल से। तो टेक्निकल्स आपके सामने है, जैसे कि 54 रुपीज का चल रहा है, उसके बाद देखो 1 वीक में 3%, 1 मंथ में 33%, 3 मंथ्स में 30%, ईयर टू डेट में 25%, क्योंकि आपको पता 2018 थोड़ा सा स्मॉल कैप और मिड कैप्स के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसने आपको रेड कलर नहीं शो किया है। इसमें अगर रेड कलर आया था तो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका पैसा नजर लग रहा होता कि पैसा उनकी जेब से निकल के जा रहा है। अगर आप 1 ईयर की बात करो तो 100% रिटर्न, मतलब कि 1 साल में आपका पैसा डबल हो गया। अगर आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट की थी तो आप 2 लाख जेब में डाल के लेके जा रहे हो। अगर 2 ईयर्स की बात करें तो काफी अच्छा रिटर्न है, 323 रुपए का रिटर्न है 3 ईयर्स में, 600% का रिटर्न। 3 साल पहले अगर आप इसमें पैसा लगाते 1 लाख तो आप शायद लेके जाते 7 लाख, तो काफी अच्छा रिटर्न है। 5 ईयर्स में भी काफी अच्छा रिटर्न है। तो आप फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं हम इसके, तो फंडामेंटल्स आपके सामने है। तो आप देख सकते हो 1,186 करोड़ का मार्केट कैप है, मींस एक स्मॉल कैप है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर 2 है, अब पी रेशो 18 चल रहा है, ठीक है, ओवर एक्सपेंसिव भी नहीं कह सकते हो, लो वैल्यूएशन पे नहीं मिल रहा है, मतलब कि बीच बीच के प्राइस पे आपको मिल रहा है। तो अगर इंडस्ट्री पी रेशो तो माइनस में ही चल रहा है, और बाकी प्राइस टू बुक वैल्यू जो चल रहा है वो 2 पॉइंट समथिंग, और डिविडेंड यील्ड 0, अभी डिविडेंड इसमें शो नहीं हो रहा है। तो ये इसका फंडामेंटल था, ठीक है। तो अभी इसके जो रिटर्न्स की बात कर लेते हैं, क्वार्टर का रिजल्ट कैसा रहा है, तो इसके क्वार्टर का रिजल्ट हमारे सामने देख लेते हैं, इसमें क्या कंडीशन है जल्दी से देख लेते हैं जो देखने लायक है। अगर आप देखोगे तो टोटल जो निकल के आता है, कितने करोड़ का बिजनेस है, 31 करोड़ का बिजनेस है, ठीक है, जिसमें से इन्होंने टैक्स पे किया लगभग 10 लाख। तो टैक्सेशन निकाल के इनका जो निकल के आता है नेट प्रॉफिट कितना इनको निकल के आता है, 20 करोड़ का प्रॉफिट। तो एक स्मॉल कैप के लिए 20 करोड़ का प्रॉफिट, ठीक है, तिमाही के अंदर काफी अच्छा है। तो अब लास्ट में हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने है। तो अगर बात करें शेयर होल्डर पैटर्न की, तो 57% जो इंडियन प्रमोटर्स के पास, ठीक है, और 42% जो एग्जिस्ट कर रहा है पब्लिक में, जिसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है 5.47%, 5% लगभग 6% भी कह लो, 5.5% इन्होंने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा लगा हुआ है, और 36% जो शेयर्स है आम पब्लिक में फ्लोट कर रहे हैं। तो ये इसके क्या थे, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक स्टॉक फाइंड किया जिसका प्राइस क्या है, लगभग 50 के अराउंड ही प्राइस है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में डालो, नजर बनाओ, क्योंकि छोटा स्टॉक है, स्मॉल कैप चलेगा तो अच्छा पैसा कमा के देगा। करना क्या है, आपने करना ये है कि बस इसके ऊपर नजर बना के रखनी है, एक अच्छे टाइम का वेट करना है। जब आपको लगता है कि अच्छा एमसीडी क्रॉसओवर बन रहा है, आरएसआई वैल्यू एक सही पॉइंट पे है, तो बाय कीजिए कॉन्फिडेंट होकर, और मैं प्रे करूंगा कि ऐसा स्टॉक जो आपको एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करके दे। तो लास्ट में गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू गाइस।